सलार जंग म्यूजियम, जो कि हैदराबाद के सबसे टॉप म्यूजियम में से एक है। ये वो म्यूजियम है जहाँ पे आपको हैदराबाद की रियल हिस्ट्री रखी हुई मिलेगी। यहाँ पे ही है ऐसी क्लॉक जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, एक इंग्लैंड में और दूसरी इस म्यूजियम में। और इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही सुंदर आइवरी, मतलब हाथी के दांतों से बनी हुई नकाशियां भी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहन कुमार और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलार जंग के बारे में 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसके साथ आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। नंबर एक, सलार जंग। ये देख रहे हैं आप सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग यानी इनका नाम नहीं है, सलार जंग इनके पोस्ट का नाम है। ओके, असल में इनका नाम है नवाब मीर यूसुफ अली खान, जो हैदराबाद के 7th निजाम के 3rd मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने जितनी भी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना हॉबी था। इस म्यूजियम का नाम इसलिए रखा गया है कि सलार जंग के तकरीबन पुरानी चीज़ें जितनी भी है कलेक्ट की गई, निज़ाम का जितना कलेक्शन है, खुलिकुतुजा कलेक्शन है पूरा यहाँ पे। सलार जंग जो कि हैदराबाद के 7th निज़ाम के 3rd मिनिस्टर थे, जिनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। इसका मतलब ये होता है कि सलार जंग इनका नाम नहीं होता था, इनकी पोस्ट को सलार जंग कहा जाता था और इसी नाम पर इस म्यूजियम का नाम पड़ा है। और इसी म्यूजियम में जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सब इसी म्यूजियम में कलेक्ट की गई, चाहे वो निज़ाम का या कुली कुतुब शाह का कलेक्शन, वो सब यही कलेक्ट किया गया था। नंबर टू, आर्म्स एंड आर्मरी सेक्शन। हम लोग आ चुके हैं रूम नंबर 9। हम ये देख रहे हैं आर्म्स एंड आर्मरी सेक्शन। ये देख रहे हैं 15th सेंचुरी टू आपको 19th सेंचुरी तक आर्म टर्मिनेशन सब देखने मिलेगा। यहाँ पे फ्रांस, हैदराबाद, दक्षिणी, मराठा जितने भी है यहाँ पे हर जगह के देखने मिलेगी आपको। यहाँ पे औरंगजेब की तलवार आपको हर चीज देखने मिलेगा। नीचे लिखा है आपको हैदराबाद दक्षिणी स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम इसलिए दिया जाता था कि उस टाइम पे, आजकल जैसा बच्चे स्कूल को जाते हैं उस टाइम पे जो स्कूल जाते हैं उन लोगों को डिफेंस की ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाती है, तो स्कूलिंग का नाम उसलिए दिया जाता है। इस सेक्शन में आपको 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक के सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रांस, हैदराबाद दखनी, मराठा आदि जगहों के आर्म्स एंड आर्मर रखे हुए हैं। यहाँ पे औरंगजेब की तलवार भी रखी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, और इन तलवारों में हैदराबाद दखनी स्कूल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे पहले सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती थी जो छोटे बच्चे स्कूल जाते थे उनको, इसलिए इन तलवारों को स्कूल का नाम दिया जाता था। नंबर थ्री, गोल्ड कटिंग डिजाइन। इसके ऊपर जितना देख रहे हैं आपको गोल्ड कटिंग डिजाइन। गोल्ड कटिंग डिजाइन क्या होता है, 19th सेंचुरी तक एक वर्क हुआ करता था लोहे के ऊपर और कांच के ऊपर सोने का पत्थर चढ़ा के डिजाइन कट करना, जो इंडिया में बंद हो चुका है, जो अब चाइना और जापान में होता है पूरा। आपको इस तलवार पे आप देखेंगे अरबी में आयतें लिखी गई, जैसे कि आयतें यानी मंत्र, जैसे गीता में लिखी जाता है कुरान में मंत्र, इसके ऊपर पूरी आयतें लिखी, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या रज़ाक, या रहीम, यानी ऊपर वाले के जितने भी नाम है पूरे इसके ऊपर लिखे गए। 19th सेंचुरी में एक वर्क हुआ करता था जिसमें लोहे और कांच के ऊपर गोल्ड की परत को चढ़ाकर डिजाइन बनाए जाते थे, जो कि इंडिया में अब बंद हो चुके हैं, लेकिन चाइना और जापान में वर्क होते हैं। और कुछ तलवारों में आयतें भी लिखी जाती थी, जैसे हिंदुओं में मंत्र लिखे जाते थे वैसे ही जितने भी ऊपर वाले के नाम होते थे वो सब भी इन तलवारों में लिखे जाते थे। नंबर फोर, यूरोपियन आर्मर। फ्रांस का आपको जैसा स्टैच्यू में कवरेज देखे आपको, उस टाइम का शोपीस भी समझिए या फिर कॉम्पिटिशन पे यूज करते जैसा वैसा समझिए, लेकिन वार में यूज नहीं किया जाता। वार में इसलिए यूज नहीं किया जाता, इतना हैवी पेन के कोई वार में लड़ नहीं सकता है। सलार जंग म्यूजियम में एक ऐसा आर्मर रखा हुआ है जो कि फ्रांस का है, जिसे अकोमोडेशन में या फिर शोपीस के लिए बनवाया गया था। इसको वॉर में पहनने के लिए यूज नहीं करते थे क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकते थे। नंबर फाइव, राइफल्स। दुनिया में बंदूकें राइफल्स बनाई गई, ये उसके फर्स्ट मॉडल है। हर राइफल के बाद में आप देखेंगे एक रॉड, और ये है गन पाउडर गैलन, यानी बारूद रखने वाली, स्पेस करने वाली एक गैलन है आपको, जो सीपी के अंदर यानी तो फिर आपको एवरी के अंदर सेव किया जाता था, इसलिए कि उसको कूल प्लेस चाहिए, गर्म प्लेस में ब्लास्ट हो सकता है। हर गन के बाजू में एक रॉड देखेंगे आप, गन पाउडर फर्स्ट फ्यूल करेंगे, पुशअप करेंगे, ब्लड डालेंगे, फायर करेंगे। यहाँ आपको बहुत से टाइप की राइफल्स भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे राइफल्स के फर्स्ट मॉडल से लेकर और बाकी मॉडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन राइफल्स को चलाने के लिए गैलन्स का इस्तेमाल किया जाता था। गैलन्स वो होते थे जिसमें बारूद को रखा जाता था, जो कि सीपी या फिर आइवरी के होते थे। ये सीपी या आइवरी के इसलिए होते थे क्योंकि बारूद को कोल्ड प्लेस में रखा जाता था, वरना वे ब्लास्ट हो जाते। इन राइफल्स के साथ एक रॉड भी होती थी, जिससे जब उसमें गन पाउडर डालते थे तो इस रॉड से उस पाउडर को रेडी किया जाता था और बुलेट डालकर फायर करते थे। नंबर सिक्स, आइवरी सेक्शन। ये देख रहे हैं आइवरी सेक्शन। आइवरी सेक्शन में आप देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा आइवरी कलेक्शन हैदराबाद सलार जंग म्यूजियम में है। टोटली वर्ल्ड में आइवरी जो वर्क किया जाता था, जो टर्क्स हुआ करते थे, चाइना, जापान, इंडिया,
इंडिया और अफ्रीकन, अफ्रीका का आगे स्टिक में रूम में आपको बताऊंगा आपको। ये देखिए इंडियन आर्ट है पूरा, आपको ये यहाँ पे इंडिया में हुआ करता था, आपको राजस्थान, ये राजस्थानी कारीगर जो एवरी वर्क करते थे। ये जितना देख रहे हैं आप कम्प्लीटली पूरा, आपको एक ही हाथी दांत के ऊपर पूरा हाथी का झुंड बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एवरी कलेक्शन आपको इस म्यूजियम में ही देखने को मिलता है, और चाइना, जापान, इंडिया और अफ्रीका कंट्री ही थी जहाँ पे आइवरी वर्क किया जाता था, और यहाँ पे आपको वो सारे डिजाइन देखने को मिलेंगे जो आइवरी से बनाए गए हैं। और तो और इनके कुछ डिजाइन को एक ही दांत पर कंप्लीट बनाए गए हैं, और जिन्होंने इनको बनाया है उनकी पिक्चर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कि राजस्थान के होते थे। नंबर 7, आइवरी चेयर्स। ये देख रहे हैं चेयर्स, आइवरी चेयर्स जिसको 18 सेंचुरी में लोरिस ने बनाया था। लोरिस कौन थे? लोरिस फ्रांसिसी, जिसका स्टैचू आप पीछे देख सकते हैं। ये है देखिए लोरिस, जो इस चेयर्स को बनाया था। कोई इंसान एक ईमानदार से एक चीज पे वर्क करता था, पूरा एक आर्टिस्ट अपने 5-10 साल खर्चा कर दिया करता था उस पे, तो उस चीज को उसके नाम के साथ रजिस्टर्ड किया जाता था, यानी रॉयल्टी दी जाती थी। लोरिस चेयर, जैसा कि इंसान मरने के बाद में उसका नाम अमर रहे, ये टीपू सुल्तान को गिफ्टेड किया गया था। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक ही हाथी दांत से बना है, ये अलग अलग हर हाथी दांत का कलेक्ट करके पूरा आपको एक आर्किटेक्चर डिजाइन बना के कम्प्लीटली चेयर्स बनाए गए। सलारजंग म्यूजियम में रखी हुई है आइवरी चेयर्स, जिसको 18 सेंचुरी में लुई 16 ने बनाया था, जो कि एक फ्रांसीसी थे, और इनका स्टैचू भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और तो और वो भी आइवरी में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ के 4-5 साल एक ही चीज पर खर्च कर देता था, तो उस चीज को उसके नाम के साथ रजिस्टर कर दिया जाता था, यानी कि एक तरीके से उसको रॉयल्टी दी जाती थी। और ये चेयर लुईस के द्वारा टीपू सुल्तान को गिफ्ट में दी गई थी, और इस चेयर को बनाने में अलग अलग हाथी के दांतों का इस्तेमाल किया गया है, और बीच में बैठने की जगह पर बांस का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसमें वेट रखा जा सके। नंबर 8, पेंटेड इंडियन आइवरी। ये पेंटेड इंडियन आइवरी देख रहे हैं आपको, जितने भी एनिमल देख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, कैमल और फिर एलिफेंट, हॉर्सेस, इसके ऊपर पूरा पेंट आर्ट किया गया है। ये जितने भी डॉग देख रहे हैं पूरी आर्मी जैसी बनाई गई है, आपको डांसर देखे इसके ऊपर भी पूरा आपको पेंटेड किया गया। ये जितने पूरे विष्णु जी के अवतार है, 10 अवतार है पूरे आपको, और नीचे देखेंगे सरस्वती माता, गणेश जी, काली माता और श्री राम जी का भी, ये कितने भी भगवान के मूर्तियां हैं पूरे कम्प्लीटली आइवरी में बने गए। यहाँ पे आपको पेंटेड इंडियन आइवरी भी देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया में बनाई गई हैं, और इनमें कलर्स भी किए गए हैं, जैसे कि एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, डॉग्स, डांसर्स, इंडियन गॉड्स जिसमें विष्णु जी के 10 अवतार, सरस्वती माता, गणेश जी, काली माता, श्री राम जी और अन्य बहुत सारी चीजें आपको आइवरी सेक्शन के पेंटेड इंडियन आइवरी में देखने को मिलेंगी। नंबर 9, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चेस बोर्ड। ये वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट चेस बोर्ड में आता है, प्राइवरी के अंदर बनाया गया। इसके 2 पीस है, दिस वन सम बिग वन, दिस इज स्मॉल वन, स्मॉल वन इज 2 पीस। ये 2 पीस है आपको, एक यहाँ पर है, एक नेक्स्ट आगे है आपको। ये सेकंड वाला यहाँ पे रखा गया, किस लिए? क्योंकि दोनों एक पेड़ है, लेकिन इसमें एक रानी मिस है। अगर ये उसके साथ में रखते तो उसका भी नाम खराब होता, नेगेटिव और पॉजिटिव हर जगह रहता भाई, इसमें एक रानी मिस है, इसलिए इसको डिफरेंटली अलग रखा गया। सलारजंग के आइवरी सेक्शन में कुछ चेस बोर्ड भी रखे हुए हैं जो कि आइवरी से ही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आइवरी से बने हुए वर्ल्ड स्मॉलेस्ट चेस बोर्ड भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल चेस बोर्ड है उसके 2 पीसेस बने हुए हैं, और एक को दूसरी जगह पर रखा हुआ है। वैसे तो ये दोनों ही पेयर हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों को एक साथ रखते हैं तो दूसरे का भी नाम खराब होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ होते हैं, और इसी वजह से दूसरे वाले में एक रानी भी मिस है। नंबर 10, पेंटेड ऑन आइवरी। पेंटेड ऑन आइवरी, ये जो इतना दिख रहे हैं, आजकल डिजिटल कैमरा है आपके बड़े बड़े, लेकिन जो 1 किलोमीटर के 1/2 किलोमीटर की रेंज भी कवर नहीं कर सकते। ओके, ये जितना देख रहे हैं, लाल किला, ताजमहल, लाल किला 8-8.5 किलोमीटर का 1.5 इंच की डब्बिया पे, एक डिब्बी पे, बॉक्स पे कम्प्लीटली हैंडमेड आर्ट्स करके कम्प्लीटली परफेक्टली सेट किया गया। अगर इसको माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो कम्प्लीटली परफेक्टली जैसा आपको लाल किला हुआ करता था उस टाइम पे, उसी टाइप से पूरा आपको आर्ट किया गया परफेक्टली। 18th और 19th सेंचुरी के यहाँ पे कुछ ऐसे आर्ट्स रखे हुए हैं जो आइवरी पर बनाए गए हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि आर्टिस्टों ने एग्जैक्ट लाल किला एक छोटी सी डिब्बी या फिर बॉक्स पर बना रखा है, जिसको आज के कैमरास भी कवर नहीं कर सकते। नंबर 11, चाइनीज आइवरी। आइवरी के लिए वर्ल्ड में 4 कंट्रीज फेमस है आपको, चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ अफ्रीका। ये चाइनीज आर्ट से दिखे, ये फेमस बॉल है, 1, 2, 3, 4, ये चाइनीज आर्ट से। इसको बनाया कैसा गया, ये जैसा देख रहे हैं आपको, आइवरी को कट करके एक बॉल बनाया गया, उसके ऊपर आर्ट किया गया, सेंटर में होल्स किए गए, होल्स कट करके विदाउट कटिंग, खाली बीच में से होल्स डाल के अंदर सेकंड लेयर बनाएगी, अंदर की होल्स ऊपर से होल्स डाल के सेकंड लेयर बनाएगी, सेकंड लेयर जो पूरी मूवमेंट करती है उसके ऊपर आर्ट किया गया, फिर उसके अंदर होल्स डाल के अंदर थर्ड लेयर बनाएगी जो थर्ड लेयर पूरी मूवमेंट करती है, और फिर उसके अंदर फोर्थ लेयर बनाएगी, पूरा आर्ट किया गया, फिर फिफ्थ लेयर, ऐसा आपको ये पूरे लेयर बनाएंगे जो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आइवरी
मोरी को चार कंट्रीज में बनाया जाता था, जिनमें थे चाइना, जापान, इंडिया, अफ्रीका, और इन्हीं में से यहाँ पे चाइना के भी आइवरी देखने को मिलेंगे। और इन चाइनीज आइवरी की फेमस देखने वाली डिजाइन में है वो है इनकी चार बॉल्स, जो की बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा बताया जाता है की इन बॉल्स के ऊपर पहले डिजाइन बनाए गए थे, फिर इनके अंदर के एरिया में डिजाइन बनाए गए थे, और ऐसे ही करते करते इनकी पांच लेयर्स बनी हुई हैं, जो सारी की सारी मूव करती हैं, जिसको आज के समय में भी बनाना इम्पॉसिबल है। नंबर 12, रेबेका स्टैचू। वर्ल्ड में नंबर वन मार्बल माना जाता है आपको इटालियन मार्बल, सेकंड माना जाता है राजस्थान मार्बल। ओके, इस रूम में जितने भी स्टैचू देख रही है आप, ऐसे स्टैचू, ये तो ओरिजिनल है आपको वन पीस, लेकिन इसके कॉपीज आपको बहुत देखने मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे दो स्टैचू है जिसके कॉपी आपको वर्ल्ड में देखने नहीं मिलेंगे, जो सार्वजनिक म्यूजियम में है। आपको एक है रेबेका स्टैचू, जिसको जीबी बेंजोनी ने 19 सेंचुरी में इटाली में बनाया। देखिए आपको, ये है रेबेका स्टैचू जिसको जीबी बेंजोनी ने 19 सेंचुरी में इटाली में बनाया था। ओके, एक बनाने वाले आर्टिस्ट ने तीन बात दिमाग में रखी, आप ये सोच सकते हैं। पहले अगर सिर्फ कपड़ा बनाते तो पर्सनालिटी फिजिक्स नहीं बना सकते, फिजिक्स बना लिए तो फिर उसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ा सकते, अंदर से खूबसूरती ब्यूटीनेस बाहर नहीं निकाल सकते। तो वन टाइम में तीनों काम किया गया। पहले सिर्फ एक मार्बल के ऊपर सिर्फ एक कर्टन बनाया गया, कर्टन को तराशते हुए फिजिक्स और एक खूबसूरती ब्यूटीनेस बाहर निकालेगी। दिस इज कंप्लीटली मार्बल, वर्ल्ड में इसका कोई कॉपी नहीं है और ना तो कॉपी कोई बना सकता। लेकिन हर चीज पे बोलते हैं दाग होता है, कैसा भी चांद में भी दाग होता है जैसा बोलते हैं ना, उस टाइप में दिखे। जिस मिल्की मार्बल, ओके, लेकिन इनके लेगिंग पे एक पे जांग पे एक जो ब्लैक डॉट है आपको समझिए, वो नजर की निशानी समझिए, जो भी कोई भी है जो तराशने के बाद में आया गया था। वैसे तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड में जो नंबर वन मार्बल माना जाता है वो होता है इटालियन मार्बल, और सेकंड में आता है राजस्थान मार्बल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इटालियन मार्बल से बने हुए बहुत ही खूबसूरत स्टैचूज। वैसे तो यहाँ पे बहुत से खूबसूरत ओरिजिनल स्टैचूज रखे हुए हैं, लेकिन इनकी कॉपीज आपको बाहर बहुत जगहों पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की एक फेमस स्टैचू है जिसकी कॉपी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, उसका नाम है रेबेका स्टैचू, जिसको जीबी बेंजोनी ने 19 सेंचुरी में इटली में बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्टैचू को बनाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखा गया था। वो बातें हैं जैसे, जब इनकी बॉडी बनाई जाएगी तो इनके कपड़े नहीं बना सकते, और अगर कपड़े बना दिए तो बॉडी नहीं बना सकते, और तीसरा है कि अंदर से इनकी ब्यूटी और खूबसूरती को बाहर नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने पहले सिर्फ एक मार्बल के ऊपर कर्टेन बनाया और कर्टेन को तराशते हुए फिजिक और खूबसूरती को बाहर निकाला, और इसी वजह से इसका वर्ल्ड में कोई भी कॉपी नहीं है और ना ही इसको कोई कॉपी करके बना सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब इसको बनाया गया था तब इसके लेग में एक दाग लग गया था, जो कि आज तक इसमें लगा हुआ है, क्योंकि दोबारा ऐसा स्टैचू नहीं बना सकते और इसलिए इसको वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। नंबर 13, म्यूजिकल क्लॉक। ये वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल क्लॉक है आपको, ये वर्ल्ड में दो पीस है, एक इंग्लैंड के म्यूजियम में, सेकंड हैदराबाद के म्यूजियम में। इसका मैकेनिज्म ये है कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इसको सप्ताह में एक बार, वीकली, 3 डेज 4 डेज, कभी भी इसको चाबी जब खत्म ही बनते हैं। दिन महीना साल पूरा बताता है वो जो आदमी मूवमेंट कर रहा है आपको, दिस इज अ सेकंड मोमेंट। ओके, एवरी अवर्स इसमें शो होता है कि डोर खुलता है, एक आदमी बाहर रहता है, जितने बजे उतने बार नॉक करके जाता है। ये म्यूजिकल मोमेंट आज के हिसाब से आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन अगर 18-19 सेंचुरी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत स्पेशल दिखेगा आपको। सलारजंग में आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल क्लॉक, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पीसेस हैं, एक है इंग्लैंड के म्यूजियम में और दूसरा है सलारजंग म्यूजियम में। वैसे तो इस क्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन जब भी एक दो हफ्ते में ये बंद हो जाती है तो इसको की के इस्तेमाल से रिस्टार्ट किया जाता है। ये क्लॉक डे, मंथ, ईयर तीनों बताती है, और इस क्लॉक में एक आदमी होता है और जितने भी बजे होते हैं तो वो बाहर आकर उतनी बार नॉक करके जाता है, जैसा कि अब आप अगली क्लिप में देखेंगे। नंबर 14, वॉकिंग स्टिक्स गैलरी। यहाँ पे वॉकिंग स्टिक्स, जैसा कि आजकल बूढ़े बड़े अंकल और जैसे नाना जी दादा जी स्टिक लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल 18th सेंचुरी एंडिंग 19th सेंचुरी में इसको पैशन और एक रॉयल्टी मानी जाती है, यानी यंगस्टर भी वॉकिंग स्टिक लेके चलते हैं। आपको पता होगा गांधी जी भी एक हाथ में एक दिन वॉकिंग स्टिक लेके चले थे, उस टाइम पे रॉयल्टी मानी जाती पूरा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, आपको ये जैसे डॉक्टर देखेंगे, स्कैलिन देखेंगे, आपको ये पूरा मोमेंटेबल फेस है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूम में बताया है, और ये रूम में इंडिया, चाइना, जापान और अफ्रीकन आर्ट, जैसा कि उस टाइम पे अफ्रीकन में मैमल्स भी हुआ करते थे आपको, वो भी आइवरी में आता है पूरा। लेकिन उन लोग के पास एक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, जो एक स्टिक को पूरा स्ट्रेटली जैसा
बनाते थे। चाइना और इंडिया वालों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अफ्रीकन के पास थी। तकरीबन आप ये देखेंगे आपको हर स्टिक पूरा एकदम स्ट्रेट है। आज हम देखते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं वे ऐसी वॉकिंग स्टिक्स को लेके चलते हैं, लेकिन 18th के एंडिंग और 19th सेंचुरी में वॉकिंग स्टिक्स को फैशन और रॉयल्टी माना जाता था, जहां यंगस्टर्स भी इन स्टिक्स को लेकर चलते थे और एक बार गांधी जी ने भी इन्हें यूज किया था। और इन स्टिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं, जैसे एनिमल्स के या फिर स्केलेटन के या फिर और तरीकों के डिजाइन। और जैसे कि हमने बात की आइवरी सेक्शन में कि अफ्रीका में भी आइवरी वर्क होता था, तो उसके आइवरी की बनी हुई वॉकिंग स्टिक्स भी आपको यहां देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, क्योंकि उस समय उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी जो कि बाकियों के पास नहीं हुआ करती थी, इसलिए आपको इनकी स्टिक्स ज्यादा स्ट्रेट दिखेगी। नंबर 15, डिफरेंट स्टोन्स। ये जितनी गेट गैलरी देख रहे हैं इसके ऊपर पूरा मीनाकारी आर्ट है। मीनाकारी आर्ट भी जो 19 सेंचुरी के बाद में इंडिया से लुप्त हो गया। जैसा ये जितने देख रहे हैं रूबी, एमरॉड, कैटॉइस, ये अलग अलग चीजें देख रहे हैं आपके स्टोन्स, इसके ऊपर लिखी गई अरबी में आयत यानी हिंदी में कहते हैं मंत्र। ये उस टाइम पे जिसके जैसे स्टार्स हुआ करते थे उन लोगों को पिनाए जाते। ये है आपको मेडिसिन कप्स, इसमें मिल्की भी है, इसमें दूधिया भी है, आपको अलग अलग स्टोन जिसको जो क्वांटिटी में देना है मेडिसिन उस क्वांटिटी में दिया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 दिसंबर 1963 में ये सार्वजनिक म्यूजियम को डोनेट की गई थी, गिफ्टेड की गई थी आपको ये गोल्डन वॉच, जो उनकी पॉकेट वॉच 63 से पहले जो देखे आपको यही वॉच है, गोल्डन वॉच जिसके ऊपर डायमंड्स लगे हैं पूरे आपको। ओके, सार्वजनिक म्यूजियम में आपको बहुत से टाइप के स्टोन्स देखने को मिलेंगे, जैसे रूबी, एम्ब्रॉयड, कैटॉइस, और इन्हीं स्टोन्स के ऊपर लिखी हुई है अरबी में आयतें। ये स्टोन्स हर व्यक्ति के जैसे स्टार्स होते थे तो उसको देखकर पहनाए जाते थे। ये स्टोन्स हैं 15 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक के। यहाँ पे शाहजहां के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ स्टोन भी रखा हुआ है, और कुछ ऐसे स्टोन्स भी रखे हुए हैं जिसे हर कोई पहन सकता है, लेकिन उनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और इनके अलावा यहाँ पे आपको मेडिसिन कप्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते थे, जिसको जितनी दवाई देनी चाहिए वो उस कप से मेजर करके देते थे। और यहाँ पे एक गोल्डन वॉच भी है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 दिसंबर 1963 में सार्वजनिक म्यूजियम को गिफ्ट में दी थी। नंबर 16, नाइफ्स एंड स्वॉर्ड्स। जंबिया, ओके, हिंदी में कहते हैं कटारी और इंग्लिश में कहते हैं नाइफ, यही देखिए आपको। ओके, देखिए इसके ऊपर मीनाकारी डिजाइन, ये वाली जो देख रहे हैं जयपुर इंडिया 20th सेंचुरी, आपको इसके ऊपर पूरे अनकटिंग डायमंड्स है, आपको सिल्वर हैंडल, इसके ऊपर देख रहे हैं आपको गोल्ड हैंडल रूबी, उसके ऊपर देख रहे हैं आपको पन्ना और डायमंड, उसके ऊपर देख रहे हैं रूबी और डायमंड कम्प्लीटली। ये सार्वजनिक यूज करने से तलवार है, आप देखिए इसके ऊपर अनकटिंग डायमंड्स। अनकटिंग डायमंड्स क्या होता है, कटिंग डायमंड से ज्यादा कॉस्टली महंगा होता है, ये नेचुरली अनकटिंग एक शेपेबल होता है। पर आपको सार्वजनिक म्यूजियम में आपको पुराने समय की नाइफ, जिसको हिंदी में कटारी भी बोलते हैं, देखने को मिलेंगे, और इन नाइफ पर आपको देखने को मिलेगा मीनाकारी डिजाइन। और यहाँ पे कुछ प्रीशियस तलवारें भी रखी हुई हैं जिन्हें सार्वजनिक यूज करते थे, और इन स्वॉर्ड्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अनकट डायमंड्स और कुछ प्रीशियस स्टोन्स का। और इन स्टोन से बनी स्वॉर्ड्स बाकियों से ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती थी। नंबर 17, सैंडल चेयर पालकी। सैंडल चेयर पालकी, ये जितना देख रहे हैं आपको 19th सेंचुरी जो पालकी थे, पहले के पालकी में सैंडल यूज वुड यूज किया जाता था, किस लिए कि जो बैठेंगे करेंगे उनको थोड़ी अच्छी सी स्मेल आए, बर्फिंग नहीं मारे, इसलिए आपको यहाँ पे सैंडल वुड की स्मेल थोड़ी आएंगी, शीशम की लकड़ी प्लस सैंडल में रहते हैं पूरे आपको। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी सैंडल चेयर पालकी। पहले की जितनी भी पालकियां होती थी उनमें सैंडल का यूज किया जाता था, क्योंकि जब भी कोई उस पालकी में बैठते थे तो उसे अच्छी खुशबू आए। नंबर 18, पेंटिंग्स। 1832 1902 32 साल 72 इयर्स, जैसा कि एनिमल्स की पेंटिंग बना रहे, फर्स्ट एनिमल्स को तो ड्रॉ कर लेते थे आर्टिस्ट, लेकिन उसके बाद में ये पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग टाइम इसलिए लेते थे, जैसा कि फॉर एग्जांपल समर वेकेशन में शुरू करे तो उसको समर वेकेशन में खत्म करते थे, समर में इवनिंग 4 to 6, क्योंकि सूरज ढल चुका है, अच्छी शेडो। ओके, तो पहले के आर्टिस्ट इसमें टाइम क्लाइमेट पर ब्लॉक करके बनाते। जैसा कि आज हम देखते हैं कोई भी आर्टिस्ट से जब आप पेंटिंग्स बनवाते हैं तो वे आज कल या ज्यादा से ज्यादा महीने में आपको पेंटिंग बनाकर दे देते हैं, लेकिन 18 एंड 19 सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। उस समय की पेंटिंग्स को बनाने में कई साल लगते थे, और उनमें से कुछ पेंटिंग्स को लगभग 72 साल लगे कम्प्लीट होने में, जो कि बननी शुरू हुई थी 1830 में और कम्प्लीट हुई 1902 में। ऐसा माना जाता था कि इन पेंटिंग्स को बनाने में इतना समय इसलिए लगता था कि जब कोई पेंटिंग समर वेकेशन में शुरू करते थे तो उसको समर वेकेशन में ही खत्म
करते थे। उनका ये मानना था कि पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाया जाए, इसलिए वे लोग समय और मौसम को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग बनाते थे। और इन पेंटिंग्स को जिस रूम में रखा जाता है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, क्योंकि ये पेंटिंग्स ऑयल पेंटिंग कैनवास होती थी जिसको ऐसे टेम्परेचर में रखने से इसकी शाइनिंग बढ़ती थी और लाइफ बढ़ती थी। और यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी रियलिस्टिक और डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। नंबर 19, डबल स्टैचू। यह देखिए सेकंड स्टैचू जो म्यूजियम का फेमस स्टैचू, डबल स्टैचू जिसको 19 सेंचुरी में फ्रांस में बनाया गया था। किसने बनाया आज तक उसका नाम पता कुछ मालूम नहीं। स्टैचू देखिए, पहली बात तो वुड में लकड़ी में स्टैचू नहीं बन सकता, लेकिन लकड़ी में स्टैचू बना। इसमें एक मैसेज दिखेगा, एक दो रूप दिखेंगे। मैसेज कि एक मर्द का एटीट्यूड शैतानी वाला रूप, और पीछे देखेंगे आपको वही औरत की एक नम्रता, एक झुका हुआ जो हर चीज एडजस्ट करके चलने वाली बात। तकरीबन कंट्रीज में ये भी था, जो भी डिफरेंट चीज बनाता था उसको गवर्नमेंट तो रॉयल्टी देती, लेकिन हर से ज्यादा डिफरेंट चीज रही तो हैंड कट कर देती। शायद एक वही रीजन था जिसकी वजह से इसको जंगल में फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया, बाद में वहां से मिली किसी को, फिर होते हुए फिर हैदराबाद आई गया। सलारजंग म्यूजियम में एक ऐसा स्टैचू है जो कि 19 सेंचुरी में फ्रांस में बनाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि जिसने इस स्टैचू को बनाया उसका नाम आज तक मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो सरकार आपको रॉयल्टी देती थी, लेकिन अगर ज्यादा ही आपने डिफरेंट बना दिया है तो आपके हाथ भी काट देती थी। तो शायद इसी वजह से जिसने इसे बनाया वो इसे बनाकर जंगल में छोड़ दिया। इस स्टैचू की खास बात यह है कि वैसे तो वुड में स्टैचू नहीं बना सकते, लेकिन ये स्टैचू वुड का ही बना हुआ है। और दूसरी खास बात यह है कि इस स्टैचू में आपको दो मैसेज देखने को मिलते हैं। पहला, जब आप आगे से देखते हैं तो आपको एक मैन का खतरनाक विशाल रूप देखने को मिलता है, वहीं जब आप पीछे से देखते हैं तो आपको एक लेडी का नर्म और झुकके सब कुछ एडजस्ट करके चलने वाली छवि देखने को मिलती है। नंबर 20, ग्लास गैलरी। ग्लास गैलरी ओके, यहाँ पे आपको इटालियन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन हर जगह के आपको देखने मिलेंगे। दुनिया का नंबर वन ग्लास कौन सा होता है? बेल्जियम। दिस इज अ बेल्जियम ग्लास। ये है कलर कट ग्लास, यानी कलर कट ग्लास आज के दौर में टेक्नोलॉजी फास्ट होने के बाद में भी नहीं बन सकता। आज फुल कलर ग्लास बन सकता है, कलर पेंटेड ग्लास बन सकता है आपको, लेकिन कलर कट ग्लास नहीं बन सकता, क्योंकि ग्लास में कलर मटेरियल में मिक्स किया गया है और कटिंग में पूरा टोटली व्हाइट है। ऐसा ग्लास अब नहीं बन सकता। सलारजंग के ग्लास गैलरी में आपको देखने को मिलेंगे इटालियन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन के डिफरेंट ग्लासेस से बनी हुई चीजें। दुनिया का नंबर वन ग्लास होता है बेल्जियम, और यहाँ पे उस ग्लास से बनी हुई चीजें जो कि कलर कट ग्लास से बनी हुई है, जिसको आज के समय में भी नहीं बनाया जा सकता, रखी हुई है। आज के समय में या तो ग्लास के ऊपर पेंट करके या ग्लास में कलर मिक्स करके ये पीसेस बनाए जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसी ही डिफरेंट कलर के डिजाइन देखने को मिलेंगे। और इन सब के अलावा यहाँ पे आपको कुछ और चीजें जैसे 18-19 सेंचुरी की कैंडल्स झूमर, 19 सेंचुरी के नेपोलियन पेंटेड चेयर, टेबल्स एंड सोफास देखने को मिलेंगे, 17 सेंचुरी की क्लॉक्स जो कि सबसे पहले फ्रांस में बनाई गई थी, आदि बहुत सी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये सलारजंग की सीक्रेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, या फिर हर सैटरडे को होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें। और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन पर क्लिक करें। और इसके बाद भी आप अनुज बकेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो